लागत 200 करोड़, कमाई ढेला भर की भी नहीं। ये है बनारस का सबसे बर्बाद प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके टेंडर पे अदानी पोर्ट्स के सिवा किसी ने बोली नहीं लगाई, जिसकी वजह से मोदी जी और वर्ल्ड बैंक के पैसे से बन रहे एक हाई फाई प्रोजेक्ट में हो सकने वाले बेइज्जती से अदानी ने मोदी जी को तो बचा लिया। ऐसा प्रोजेक्ट जिसे मोदी जी गेम चेंजर बता रहे थे, उसके प्लान में पिछले 6 साल में इतने चेंज आ चुके हैं और अभी भी पता नहीं है कि उस प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है। ये न्यूज देखिए, फेल हो गया 184 करोड़ का बंदरगाह, 3 साल में सिर्फ 3 जहाज। अभी तक सिर्फ 3 जहाज आए हैं, जिसमें पेप्सी को, डाबर और एक और कंपनी है जिसका अभी तक सिर्फ शिप आया। इसके अलावा सिर्फ जो क्रूज इनॉग्रेट हुए हैं सिर्फ वही यहां तक आए हैं। एक बात मैं आपको और नोट करा दूं, यहां से सारे जहाज गए हैं, आया एक भी नहीं है। हाल फिलहाल में तो यहाँ सन्नाटा ही रहता है, इतना सन्नाटा कि एक समय जहाँ इसे खुल के प्रमोट किया जा रहा था हर जगह, आज ये हालात थी कि जब मैं इसका वीडियो बनाने गया तो मुझे इसको शूट करने की परमिशन नहीं मिली। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल टर्मिनल, या फिर सरल भाषा में वाराणसी का बंदरगाह। बनारस का ये बंदरगाह बनाया गया था वाराणसी से हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इनके बीच में मालवाहक जहाज जो कि 1,500 से 2,000 टन तक का माल कैरी कर सकते थे उनके ट्रांसपोर्ट के लिए। MMT यानी कि मल्टी मॉडल टर्मिनल, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था सन 2016 में। 33 हेक्टेयर जमीन में फैली हुई इस मल्टी मॉडल टर्मिनल में एक जेटी, 2 मोबाइल हार्बर क्रेन, रोड्स, ऑफिस और सुविधा भवन है। 12 नवंबर 2018 को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और उस समय प्रस्तावित फ्राइट विलेज में 500 परमानेंट और 2000 टेम्परेरी लोगों के रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी का हालात यह है कि मुश्किल से 10 से 20 लोग इससे जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कि एक्चुअल चैलेंजेस है क्या इस बंदरगाह के लिए। उत्तर प्रदेश में माँ गंगा की स्थिति ज्यादातर जिलों में बहुत खराब है, इसकी वजह से जहाजों को आगे बढ़ाने में काफी समस्या होती है। बाढ़ में तो काफी पानी होता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही पानी कम होने लगता है और इसकी वजह से जहाज के संचालन में काफी दिक्कत आती है। इस फोटो को देखिए, इन हालातों में क्या आपको लगता है कि कोई भी फ्रेट जहाज इसमें से जा सकता है? यही माँ गंगा जब कोलकाता जाके हुगली नदी बन जाती है तो देखिए वहाँ पे फ्रेट जहाज बहुत आसानी से चलते हैं, क्योंकि वहाँ जो माँ गंगा है वो काफी चौड़ी है, उसमें काफी पानी है, इसलिए आराम से वहाँ पे जहाज जो है स्मूथली ऑपरेट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अचानक ही आप देखेंगे कि बालू के बड़े बड़े टापू उगाते हैं बीच में, और ये जो बीच में टापू बन जाते हैं इसकी वजह से बड़े जहाजों का संचालन यहाँ पर नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं, घाट वाले जगहों की बातों में नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जगह है वहाँ की बात हो रही है। दूसरा रीजन है कॉस्ट। IWAI के अफसर सरकार को समझाते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट होता है वो लगता है 1.5 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर, वहीं रेल में लगता है 1 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर, और वाटर ट्रांसपोर्ट में लगेगा 25 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर, और इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट बाकी सब के मुकाबले बहुत सस्ता है। लेकिन रियलिटी यह है कि IFB एग्रो इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, उन्होंने जब जहाज भेजा तो धान की भूसी की खेप इलाहाबाद से कोलकाता लेके जाना था, जिसका उन्हें लागत पड़ा 2.70 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर, जबकि दावा यह किया गया था कि 25 से 30 पैसे लगेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि वाटर ट्रांसपोर्ट पे GST भी ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े बिल होते हैं GST लगने की वजह से उनमें कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये तक बताया गया वाराणसी से हल्दिया के बीच में ये जो ट्रांसपोर्ट है वो PPP मॉडल पे लॉन्च होना था, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी ने टेंडर भरा ही नहीं। उत्तर प्रदेश उद्योग मंडल के वाराणसी जोन के अध्यक्ष विजय भी इस योजना पर सवाल खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि वाटरवे 1 योजना सिर्फ मजाक है, इस योजना को लेकर गाय बहाय शिगुफे छोड़े जाते हैं, इवेंट के दौरान शूटिंग्स होती हैं, मीडिया योजना को चर्चा का केंद्र बनाती है और सरकार वावाई लौटती है। बाद में पता चलता है कि योजना रेत के नहर की तरह दफन हो गई। कपूर आगे कहते हैं, रामनगर बंदरगाह तक उद्यमियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, भाड़े पर सब्सिडी भी नहीं दी जा रही है, माल की बुकिंग की जिम्मेदारी शिपिंग कॉर्पोरेशन कोलकाता की एक एजेंसी को सौंपी गई है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में तनिक भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यहाँ तक कि गंगा जी के जानकार डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी कहते हैं, बंदरगाह पर 206 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं मगर सुविधाओं का कहीं अता पता नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है गंगा का गलत सर्वेक्षण। सिर्फ बड़ा ख्वाब देख लेने भर से कुछ नहीं होता, गंगा में जलपोत चलाने पर हर साल अरबों रुपए ड्रेजिंग पर खर्च करना पड़ेगा। जलपोत चलाने के लिए गर्मी के दिनों में गंगा नदी में 3 मीटर तक गहराई को मेंटेन कर पाना कठिन है। 15 अक्टूबर के बाद गंगा की स्थिति खराब होने लगती है। किसी भी बड़े वाहन को चलने के लिए गंगा नदी के बीचों बीच अच्छी खासी गहराई चाहिए होती है, तभी वो जा सकता है, और उसे मेंटेन करने के लिए वाराणसी में जो माँ गंगा है, क्योंकि वो पूरी तरह बालू से ढकी हुई है, उसे लगातार ड्रेजिंग करना पड़ता है, और उस बालू की ड्रेजिंग में हर साल
अरबों रुपए खर्च होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस बर्बाद प्रोजेक्ट का होगा क्या, आखिर फ्यूचर प्लानिंग क्या है। कोई टेंशन नहीं, मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग भी बताता हूँ कि इस समय क्या चल रहा है। पिछले साल सरकार ने अनाउंस किया कि अब इस परियोजना को रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाएगा। जमनाथपुर स्टेशन से 8 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी इस बंदरगाह तक। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए 18 हेक्टेयर लैंड भी ली गई है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपकी इस समय स्क्रीन पे लगा देता हूं, आप देख सकते हैं। रेलवे लाइन के जो मार्कर पत्थर होते हैं वो भी गाड़े जा चुके हैं और जल्द ही रेलवे लाइन पे काम शुरू भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जमनाथपुर रेल लाइन जुड़ने के बाद दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से चलने वाली मालगाड़ी जमनाथपुर होते हुए सीधे मल्टी मॉडल टर्मिनल तक पहुंचेगी। मालगाड़ी से कंटेनर में भरे माल आसानी से बंदरगाह तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा बंदरगाह के पास जो फ्रेट विलेज बनने का प्रस्ताव था वो भी होने वाला है। व्यवसायिक गतिविधियां तेज करने के लिए बंदरगाह के पास फ्रेट विलेज बनेगा। यहां माल स्टोरेज, सैंपलिंग और पैकिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फ्रेट विलेज व्यवसायिक गतिविधियां और प्रबंधन में सहयोग करेगा। इससे माल ढुलाई समेत अन्य व्यवसायिक गतिविधियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। आप लोगों ने रिसेंट में नोटिस किया होगा कि लगातार हर जगह पक्के घाट बन रहे हैं, इंक्लूडिंग वाराणसी में रामनगर का सामने घाट और शास्त्री घाट, और ऐसे ही वाराणसी से कोलकाता के बीच में लगभग 250 से ज्यादा पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। ये सारे काम भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। जरूरी है कि मिट्टी कटान और बालू कटान को रोका जाए, इस वजह से सारे घाटों को जो मेजर घाट है उन्हें पक्का किया जा रहा है। हम इस प्रोजेक्ट पर ऐसी नजर बना के रखेंगे। आपके क्या सोच और विचार है इस प्रोजेक्ट के बारे में, जरा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। देखिए हमें यहाँ कुछ लोग मिले, आप लोग भी यहीं रहते हैं आसपास। कितना अभी तक यहाँ जहाज वहाज दिखा लगभग? कुछ भी नहीं दिखा, हवाई जहाज दिखता। मोदी जी उद्घाटन के लिए आए थे, वो बस वही सब दिखा है बस। उसके बाद जहाज वहाज कुछ दिखे नहीं, नहीं दिखा।